Hey guys, my name is Asis and you are watching Wrestle Stroke. So guys, आज के शोडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि मंडे नाइट रॉ में जो हमें रिया रिप्ली वर्सेस आस्का का मैच देखने को मिला रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, तो गाइज इस मैच का रिजल्ट हमें क्या देखने को मिला और इस मैच में कौन से वुमेन्स सुपरस्टार ने अटैक कर दिया रिया रिप्ली पे और आस्का पे, तो गाइज आज के शोडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ग्रैंड वेलकम, सब्सक्राइब के नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर दें, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो भाई, फोटो पे डिपेंड मत रहो, मैं आपको क्लियर आपको वॉइस में समझा देता हूँ। गाइज, रिया रिप्ली वर्सेस आस्का के बीच में हमें रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया 37 का नाइट 2 का रीमैच देखने को मिलता है। और गाइज ऐसा ही होता है, आज के मंडे नाइट रॉ में ये मैच हमें देखने को मिलता है, यानी गाइज रेसलमेनिया के बाद के मंडे नाइट रॉ में हमें मैच देखने को मिलता है फॉर द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप आस्का वर्सेस रिया रिप्ली के बीच में। गाइज दोनों सुपरस्टार रिंग में आती हैं और गाइज मैच स्टार्ट होता है, लेकिन गाइज जब कुछ मिनट तक मैच चलता है तो गाइज हमें ये पता चलता है कि जस्ट अभी से उस मैच से एक मिनट पहले जब प्रोमो कट करके शार्लेट फ्लेयर जाती है तो गाइज वो वहां पे हिंट देती है और गाइज शार्लेट फ्लेयर आके अटैक कर देती है और किसी पे नहीं बल्कि रिया रिप्ली पे आस्का पे, यानी गाइज मिड मैच में आके अटैक कर देती है शार्लेट फ्लेयर आस्का एंड रिया रिप्ली पे। और गाइज ये जो मैच रहता है डिस्क्वालिफिकेशन से एंड हो जाता है, यानी गाइज जो रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए हमें मैच देखने को मिला आज के मंडे नाइट रॉ में, उस मैच का कुछ भी रिजल्ट नहीं हुआ ड्यू टू अटैक ऑफ शार्लेट फ्लेयर ऑन रिया रिप्ली एंड आस्का। तो गाइज इस मैच का कुछ यही हमें मोमेंट देखने को मिला जो कि मैंने आपके स्टूडियो में शेयर कर दिया। तो फाइनली बाय फ्रेंड्स।